हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक होगा ब्लड ग्रुप। ठीक है, अभी तक आपको हमने जो भी सिस्टम वगैरह पढ़ाया है वो सब आप रिवीजन करो। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ब्लड ग्रुप के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होता है, ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया। ठीक है, तो ये सब हम आज देखने वाले हैं। फर्स्ट क्या होता है ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवर किया था उसका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कब किया था, तो इन 1900। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिस्कवर जो किया था उस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900 में। ठीक है, अभी हम देखते हैं ब्लड ग्रुप होता क्या है या ब्लड ग्रुप कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं होल ब्लड। होल ब्लड हम लोग लेते हैं। होल ब्लड में क्या होता है, तो होल ब्लड में मेनली टू पार्ट्स होता है। ठीक है, होल ब्लड में क्या होता है, तो मेनली टू पार्ट्स होता है। पहला क्या होता है, तो पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कार्पल्स। कार्पल्स, ठीक है। अभी कार्पल्स में क्या होता है, तो कार्पल्स में मेनली हम लोग थ्री देखेंगे। कार्पल्स में क्या होता है, तो कार्पल्स में होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। बट आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो सिर्फ आरबीसी को देखने वाले हैं। ठीक है, और प्लाज्मा में क्या होते हैं, तो प्लाज्मा या सीरम, ठीक है, ऐसा होता है, प्लाज्मा और सीरम। अभी ब्लड ग्रुप का जो डिटरमिनेशन होता है, ब्लड ग्रुप का जो डिटरमिनेशन होता है वो किसके बेस पे होता है, तो आरबीसी के बेस पे होता है। आरबीसी के बेस पे होता है। अभी प्लाज्मा में क्या होता है, तो आरबीसी के अंदर जो होता है उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं, और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा के अंदर जो होता है उसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, और बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी का काम क्या है, तो बीमारी से किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने की उसमें पोटेंशियल होती है। तो बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी होता है उसको हम लोग कहाँ पे देखते हैं, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, तो बीमारी से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी होता है वह प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी का शेप क्या होता है, तो एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीबॉडी वाई शेप का होता है। ठीक है, वाई शेप का होता है। यह जो शेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी। अभी एंटीजन जो होता है वह कहाँ पर होता है, तो वह आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ये हमारा क्या हुआ, तो आरबीसी हुआ। ठीक है, ये जो हुआ हमारा आरबीसी हुआ। आरबीसी के अंदर जो पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन कहते हैं। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात कि प्लाज्मा में जो पाया जाने वाला एंटीबॉडी होता है उसको हम लोग स्मॉल ए या बी, एंटीबॉडी ए या एंटीबॉडी बी स्मॉल में लिखते हैं। और जो आरबीसी में जो पाया जाने वाला एंटीजन होता है उसको हम लोग कैपिटल ए और बी, ये डिफरेंस है। एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल ए और बी में लिखते हैं, और एंटीजन जो होता है उसको हम लोग कैपिटल ए तथा बी में लिखते हैं। ठीक है, अब देखना क्या है कि इसको हम लोग जो हमारे ब्लड में मीन्स आरबीसी में जो एंटीजन होता है या जो प्लाज्मा सीरम में
प्लाज्मा या सीरम में एंटीबॉडी होता है वो दिखता कैसा है, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, या किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो वो दिखता कैसा है, किस बेस पे उसका नाम दिया गया, ए कैसे उसको बताएगा कि इसका ब्लड ग्रुप या इसका एंटीजन। एक्चुअली ब्लड ग्रुप और एंटीजन दोनों सेम होता है। अगर किसी का एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप भी ए ही होगा, ठीक है। अगर किसी का एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी ही होता है। तो ये दिखता कैसे, कैसे साइंटिस्ट ने बताया कि ये ब्लड ग्रुप ए है, कैसे ब्लड ग्रुप बी है, कैसे बताया कि ब्लड ग्रुप ए बी है, साइंटिस्ट ने किस बेस पे ए बी ए इस सब का नाम दिया, ठीक है। तो आज हम लोग वो डिटेल से देखने वाले हैं। तो ये क्या होता है, आरबीसी, ये हमारा आरबीसी हो गया। आरबीसी के ऊपर क्या होता है कि अगर आरबीसी के ऊपर अंग्रेजी के कैपिटल ए इस टाइप में अगर दिखा तो ये क्या होता है, ये एंटीजन ए होता है। अगर कैपिटल ए की तरह दिखा तो ये क्या होगा, एंटीजन ए होता है। ए देखिए, इसको देखिए, सिमिलरिटी क्या है कि कैपिटल जब हम ए लिखते हैं तो उसको भी ऐसे करते हैं, ठीक है। और इसमें भी आप देखेंगे तो ए की तरह कर बना हुआ है, तो इसका नाम दिया गया एंटीजन ए। तो अगर ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो ब्लड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो एंटीजन किसी का ए है तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, इसका ब्लड ग्रुप भी ए हो जाएगा, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ए का जो फिगर रहेगा वो कैसा रहेगा, तो ऐसा ही रहेगा, उसके ऊपर कैपिटल ए की तरह रहेगा। सेम अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, आरबीसी के ऊपर क्या हुआ कि अंग्रेजी का जो वर्ड होता है जिसको हम लोग बी ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा अगर हाफ कॉर बना रहे, ऐसा इसमें क्या था, उसमें ए की तरह था, एंटीजन ए या ब्लड ग्रुप ए का जो कैपिटल ए की तरह दिख रहा था, बट ए जो था ये क्या था, तो कैपिटल वर्ड बी जो होता है वो बी के टाइप का जो हाफ कर्व रहता है, ये हाफ कर्व मतलब यहाँ तक देखिए, ये हाफ कर्व। तो ऐसा अगर बना है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एंटीजन बी। तो इसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ब्लड ग्रुप भी हो जाएगा बी, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने देखा ए कैसा दिखता है, बी कैसा दिखता है। अगर सिंपल समझ जाइए, आरबीसी के ऊपर अगर कैपिटल वर्ड का ए की तरह है तो वो हो जाएगा एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप ए। अंग्रेजी के वर्ड वी का हाफ कर्व है तो हो जाएगा एंटीजन बी यानी ब्लड ग्रुप बी। अब क्या होता है, तो ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर क्या होता है, एक अंग्रेजी का कैपिटल ए की तरह, दूसरा बी का हाफ कर्व, फिर कैपिटल ए, फिर हाफ कर्व बी का, फिर कैपिटल ए, फिर हाफ कर्व बी का, फिर कैपिटल ए, फिर हाफ कर्व बी का, ऐसा अगर देखने को मिलेगा तो इसको, इसमें देखिए, इसमें कैपिटल का ए भी है और कैपिटल का बी का जो वर्ड है उसका हाफ कर्व भी है, तो इसमें क्या है, ए और बी दोनों हमको दिखने को मिल रहा है। तो इसका एंटीजन क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, तो इसका ब्लड ग्रुप भी हो जाएगा ए बी, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप भी हो जाएगा ए बी। अब मेन जो इम्पोर्टेंट है, मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर ब्लड आरबीसी, अगर आरबीसी ऐसा, आरबीसी के ऊपर कुछ भी नहीं है, ना तो ए है और ना कैपिटल बी का हाफ कर्व है, इस पे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल टकला है, कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस पे कुछ है ही नहीं, शून्य है, ठीक है, ना तो इसमें ए है और ना इसमें बी है हाफ कर्व, तो एक क्या है, बिल्कुल टकला है, मतलब शून्य है। बट शून्य जो वर्ड होता है वो क्या होता है, तो मैथमेटिक्स से लिया जाता है, जो शून्य वर्ड है वो मैथ का है, मैथमेटिक्स का है, इंग्लिश का नहीं है। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर, उन्होंने बोला कि जो शून्य वर्ड है, जीरो वर्ड है, वो क्या है, तो वो मैथमेटिक्स से लिया गया है, तो इसको उन्होंने शून्य ओ की तरह दिखता है। तो यहाँ पे कार्ल लैंडस्टीनर जो थे उन्होंने क्या बोला, इसका नाम ओ रख दिया, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, जीरो, ठीक है, शून्य। तो ये क्या हो गया, इसमें एंटीजन क्या है, कुछ है ही नहीं, मतलब ओ शून्य, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, तो इसका ब्लड ग्रुप भी हो जाएगा ओ, ठीक है।
तो आपने देखा जो आरबीसी होता है उस पर कैपिटल ए की तरह अगर है तो उसको हम लोग बोलेंगे ए एंटीजन, मतलब ब्लड ग्रुप ए। बी के हाफ कर्व की तरह है तो उसको हम लोग नाम देंगे एंटीजन बी, मतलब ब्लड ग्रुप बी। और कुछ भी नहीं है, शून्य है, जीरो है, मतलब ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, और ए और बी दोनों अगर दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि होल ब्लड जो होता है उसमें क्या होता है, प्लाज्मा और सीरम भी पाया जाता है, और प्लाज्मा में क्या होता है तो एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीबॉडी का हमने आपको डायग्राम थोड़ा डिफरेंस बन रहा है बट इसको समझ जाए। ठीक है, तो जो एंटीबॉडी होता है हमारा वाई शेप में होता है। अभी एंटीबॉडी के वाई शेप में एक ही तरह अगर नुकीला है, एक की तरह अगर अंदर की तरह ऐसा नुकीला है, ठीक है, ऐसा एक ही उल्टा, जैसे हमने ऊपर से ए लिया था वैसे ही अगर एंटीबॉडी के अंदर एक की तरह ऐसा नुकीला है तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए एंटीबॉडी। ठीक है, ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी, इसको हम लोग स्मॉल में देखेंगे। ऐसे ही अगर देखेंगे कि अगर ए एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी के अंदर बी की तरफ हाफ कर्व है, बी की तरफ हाफ कर्व है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि अगर सेम एंटीजन तथा सेम एंटीबॉडी रहेगा, अगर एंटीजन भी ए है, ठीक है, एंटीजन भी ए है और एंटीबॉडी भी बी ए है, तो क्या होगा, पेशेंट रह पाएगा, तो नहीं। अगर सेम एंटीजन है और सेम एंटीबॉडी है तब आदमी की मौत हो जाएगी। ठीक है, मर जाएगा, क्योंकि क्या है, क्लॉट हो जाएगा वहां पे। इसलिए अगर एंटीजन ए है तो उसके ठीक उल्टा जो एंटीबॉडी होगा वो क्या होगा, तो बी होगा। एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं रहता है, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी जो होता है वो डिफरेंट होता है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे एंटीजन, ठीक है, एंटीजन या फिर इसको हम लोग ब्लड ग्रुप भी बोल सकते हैं, जो हमारा एंटीजन होता है वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है तो एंटीबॉडी, ऐसा हम लोग दो कॉलम बनाएंगे एंटीबॉडी। ठीक है, अगर एंटीजन ए है, ठीक है, एंटीजन ए है उसका कैसा होगा, तो उसका अंग्रेजी के कैपिटल ए की तरह कर्व होगा। ठीक है, तो इसमें एंटीबॉडी जो पाएगा वो क्या होगा, तो एंटीबॉडी इसमें बी होगा। ठीक है, एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा। अभी एंटीबॉडी बी का डायग्राम अगर आप देखेंगे तो कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है, इसमें ऐसा हाफ कर्व होगा बी की तरह। ठीक है, हाफ कर्व। अगर एंटीजन बी है, एंटीजन बी का डायग्राम आप देखेंगे तो ऐसा हाफ कर्व। ठीक है, ये एंटीजन अगर बी है तो यहाँ पे एंटीबॉडी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मतलब डिफरेंट हो जाएगा। जो एंटीजन है सेम एंटीबॉडी नहीं रहेगा, ठीक, उसके डिफरेंट में रहता है। जैसे एंटीजन ए तो एंटीबॉडी बी, एंटीजन बी तो एंटीबॉडी ए। और एंटीबॉडी ए का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी ए का ए की तरह नुकीला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एंटीजन ए बी है तो उसका डायग्राम क्या होगा, तो उसका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ए और बी दोनों होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर एंटीजन ए बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं रहेगा। ठीक है, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी। ए के साथ बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन में ए एंटीबॉडी, ए बी एंटीजन में नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर ओ है, ओ एंटीजन है, तो इसमें जो एंटीबॉडी होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। ओ एंटीजन में ए और बी दोनों होता है। ठीक है, अभी ए डिफरेंट क्यों होता है, कैसे, मतलब डिफरेंट, जो हमारे साइंटिस्ट थे या जो हमारे भगवान हैं उन्होंने बहुत अच्छा से ये सब चीज़ों को बनाया है। अगर एंटीजन ए है और पेशेंट का एंटीबॉडी भी ए हो जाता तो फिर क्या होता, तो देखिए ए एंटीजन में क्या होता है, आरबीसी के ऊपर ऐसा नुकीला निकला रहता है। अगर एंटीबॉडी भी ए रहेगा तो यहाँ पे आता और यहाँ पे आता तो ये अंदर ही फंस जाता,
और अंदर अगर फंस जाता, क्योंकि ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, होल ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों रहते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का होल ब्लड में ही रहते हैं। तो अगर पेशेंट का एंटी, किसी आदमी का एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए है, तो देखिए ए एंटीजन के ऊपर क्या है, कैपिटल ए की तरह ऐसा नुकीला निकला रहता है, और एंटीबॉडी में क्या है, अंदर की तरफ ऐसा ए निकला रहता है, एक नुकीला। ये दोनों अंदर यहाँ पे ब्लड में जब मिक्स होता, ब्लड में मिलता, तो यहाँ पे फंस जाता, तो एंटीजन एंटीबॉडी दोनों फंस जाता, तो क्या होता, क्लॉट हो जाता, और फिर क्या होता, जो आदमी है उसकी डेथ हो जाती, मर जाती। तो इसके लिए भगवान जो थे वो बहुत अच्छा से इसको बनाया। इसमें क्या है, एंटीजन डिफरेंट रखा, बी रखा, अभी क्या है ए नुकीला निकला हुआ है, ये अगर बी में यहाँ पे आया भी तो आराम से आएगा, यहाँ पे टच होगा, मिलेगा और फिर से निकल जाएगा, फंसने फंसाने वाले यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसके लिए जो एंटीजन होता है ठीक उसके डिफरेंट एंटीबॉडी रहता है। इसी ढंग से अगर आप देखेंगे कि एंटीजन अगर किसी का बी है और उसका एंटीबॉडी भी अगर बी है, तो देखिए यहाँ पे आता और यहाँ पे ये भी इसी शेप में है, ठीक है, ये भी इसी शेप में है, तो क्या होता है, यहाँ पे चिपक जाता, मतलब फंस जाता, तो क्या हो जाता, सेम कंडीशन, पेशेंट का डेथ हो जाता, क्लॉट हो जाता, यहाँ पे निकल ही नहीं पाता, ठीक है। और ए बी जो रहता है उसमें कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है, और जो ओ होता है तो जो टकला है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो उसके ऊपर जो एंटीबॉडी होगा वो ए बी होगा और बी भी होगा, ठीक है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप एंटीजन के, जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो किसका, तो एंटीजन को दिखाता है, कि एंटीजन हमारे बॉडी में क्या है, वही हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। ठीक उसके उल्टा क्या होता है, तो एंटीबॉडी होता है, जैसे ब्लड ग्रुप किसी का ए तो एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप किसी का बी तो एंटीबॉडी ए, अगर ए बी तो नो एंटीबॉडी, उसमें अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी कुछ नहीं रहता है, ठीक है। और दूसरा अगर एंटीजन ओ है तो उसमें ब्लड ग्रुप ए बी होगा और बी भी होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो एंटीबॉडी होता है वो हमारे बॉडी, जो एंटीबॉडी होता है उसका काम क्या है, तो एंटीबॉडी का काम होता है हमारे बीमारी से लड़ने में हमको, हमारे बॉडी को मदद करता है, हमारे जो प्लाज्मा में या हाँ हमारे प्लाज्मा और सीरम में जो एंटीबॉडी होता है उसका काम क्या है, तो हमारे बॉडी को किसी भी बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, मदद करता है, उसका काम है एंटीबॉडी का, ठीक है। तो इस ढंग से हम अगर देखेंगे तो जो ए बी अगर ब्लड ग्रुप है किसी का, अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें हमने देखा है कि कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, नो एंटीबॉडी, ठीक है। तो सिंपल हमारा एंटीबॉडी का, जबकि आप लोगों को मालूम है काम क्या है, किसी भी बीमारी से फाइट करना, ठीक है, फाइट करना। बट जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें तो कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, तो अगर एंटीबॉडी नहीं है तो हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, मतलब हमको बीमारी से लड़ने के लिए ऐसे ही हमारा बॉडी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बॉडी किसी बीमारी से लड़ने के लिए जो फाइटिंग एक्शन है वो कौन करेगा, तो WBC के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी ढंग से ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी लड़ने में कमजोर हो जाती है, उसका जो सिर्फ WBC ही बीमारी में लड़ने में मदद करेगा, ठीक है, जबकि प्लाज्मा का कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होता है तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले का एंटीबॉडी कुछ भी नहीं रहता है, नो एंटीबॉडी रहता है, तो उसमें लड़ने के लिए कोई एंटीबॉडी रहता ही नहीं है, मीन्स प्लाज्मा कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं रहता है। इसी तरह हम ऊपर देखेंगे कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, जिसका ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो इसमें एंटीबॉडी क्या होता है, तो ए बी होता है और बी भी होता है, ठीक है। उसमें जो एंटीबॉडी कितना होता है, तो दो एंटीबॉडी होता है, ए और बी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, ऑटोमेटिकली मतलब साफ है कि उसका बॉडी बीमारी से लड़ने में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी बीमारी से लड़ने के लिए जो स्ट्रांग होता है, कौन से ब्लड ग्रुप वाले का होता है, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले का। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसका बीमारी से लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो वो हमारी बीमारी से लड़ने के लिए इतनी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, ये हमारा ब्लड ग्रुप हुआ, ब्लड ग्रुप के बाद क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव एक वर्ड आता है। जब आप रिपोर्ट देखते रहेंगे, कहीं भी रिपोर्ट देखतेंगे, तो या तो ए पॉजिटिव या ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी निगेटिव, या ओ निगेटिव या ओ पॉजिटिव, ऐसा आपको वर्ड दिखेगा। तो जो पॉजिटिव निगेटिव है उसको हम लोग बोलते हैं आर एस फैक्टर। क्या बोलते हैं, तो जो हमारा पॉजिटिव निगेटिव
जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ चार है, ए बी ए बी और ओ, ठीक है। बट जो पॉजिटिव निगेटिव आता है, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर, ठीक है, आर एच फैक्टर। कार्ल लैंडस्टेनर, इसका भी जो डिस्कवर किए थे, डेवलप किए थे, वो कौन थे, तो कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। बट इसका जो किए थे कब किए थे, तो 1940 में, ठीक है, उसका किए थे 1900 में, और इसका जो किए डेवलप किए थे, डिस्कवर किए थे, वो 1940 में किए थे, ठीक है। अभी आर एच, इन जब ब्लड ग्रुप निकल गया तो फिर इन लोगों को आर एच निकालने की क्या जरूरत थी, मतलब आर एच क्या होता है, ये कैसे इन लोगों को पता चला, ठीक है। तो जब कार्ल लैंडस्टेनर रिसर्च कर रहे थे 1940 में, तो उन्होंने एक आदमी के ऊपर तो उन्होंने कर दिया, तो फिर उसके बाद उन्होंने रिसस, आर ई आर एच ई एस, रिसस नाम का जो मंकी था, रिसस इंडिया में जो मोस्टली मंकी पाए जाते हैं वो रिसस कैटेगरी के ही रहते हैं, ठीक है, या बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी, अफ्रीका वगैरह में भी पाए जाते हैं, या इंडिया में जो मंकी होता है वो जो कैटेगरी होता है तो रिसस कैटेगरी के होता है। हम सबको भी मालूम है, आप सबको सबको मालूम है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बहुत पहले जो पूर्वज थे वो लोग भी मंकी ही थे, हम लोग मंकी के ही वंशज हैं, मंकी से ही हम लोग आए हुए हैं, ठीक। ऐसा ही जो हमारे जो रिसस नाम के जो मंकी होता है वो क्या होता है, इंडिया में पाया जाता है, हमारे जो ससुराल वाले हो तो अभी तक भी मंकी ही है, ठीक है, ऐसे ही हमारे ससुराल वाले जो है वो अभी तक ही मंकी ही है, हम लोग हमारे पूर्वज मंकी थे, मतलब 400 साल 500 साल पहले हमारे जो पूर्वज तो क्या थे, मंकी ही थे, बट हमारे ससुराल वाले अभी तक मंकी ही है, मतलब रिसस पर जाते हैं, कैटेगरी में ही आते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये रिसस के नाम पे आर एच फैक्टर दिया गया, ठीक है, रिसस, तो इसका आगे का जो आर एच वर्ड है, ये वर्ड के ऊपर आर एच फैक्टर नाम दिया गया। ये रिसस मंकी के ऊपर जब कार्ल लैंडस्टेनर 1940 में रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ अलग अलग चीज देखा, उन्होंने अलग अलग क्या चीज देखा, तो एक मंकी का उन्होंने ब्लड लिया था, उसमें क्या था, तो उसमें आरबीसी के ऊपर ऐसा नुकीला, मतलब ए था, ठीक है, ऐसा ए दिखा। दूसरा उनको आरबीसी के ऊपर ऐसा हाफ कर्व दिखा, तो उनको ये तो मालूम था कि हाँ ए दिखा मतलब ए है, ऐसा हाफ कर्व दिखा मतलब बी है। बट इसमें डिफरेंट क्या दिखा, इसमें किसी किसी मंकी के ब्लड में आरबीसी के ऊपर यहाँ पे एक चपटा डॉट दिखा, यहाँ पे एक चपटा ऐसा डॉट दिखा, ठीक है, ऐसा यहाँ पे एक चपटा डॉट दिखा, ये दोनों जो ए का जो कर्व है उसके बीच में एक ऐसा ऐसा चपटा डॉट दिखा, और दूसरे किसी में नहीं दिखा, यहाँ पे ऐसा नहीं दिखा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा, बट यहाँ पे ऐसा ऐसा चपटा डॉट दिखा। तो उन्होंने क्या बोला कि ए जिसमें दिखा इंग्लिश में या साइंस में ये नियम है कि जो है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, और जो नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव। अगर किसी को एचआईवी हुआ है तो एचआईवी पॉजिटिव, किसी को अभी देखिए कोरोना हुआ है तो कोविड पॉजिटिव, नहीं है मतलब कोविड निगेटिव, किसी को एचआईवी नहीं है तो एचआईवी निगेटिव, अगर है उसके बॉडी में एचआईवी का इन्फेक्शन है तो मीन्स एचआईवी पॉजिटिव। ठीक यहाँ पे आरबीसी के नुकीला जो रहता है एबीसी के ए के ऊपर, जो आरबीसी में ए जो ए था इसके बीच में जो ऐसा ऐसा डॉट दिखा, तो इसका इन्होंने नाम दिया पॉजिटिव, मतलब है ऐसा डॉट है। और जिस आरबीसी के हाफ कर बी के या ए के बीच में नहीं दिखा उसको इन्होंने नाम दिया निगेटिव। तो सेम ऐसे ही हमारे बॉडी में दो ग्रुप होते हैं, एक का नाम होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो होते हैं चार, ठीक है, ए बी ए बी और ओ, जिसमें डॉट आरबीसी के ऊपर जो नुकीला कर्व या हाफ कर्व बी का या ए बी दोनों है या कुछ भी नहीं है, बट उसमें ऐसा चपटा दिखा, ठीक है, जैसे आरबीसी ए पूरा ओ का टकला है बट इसमें ऐसा डॉट दिखा, चपटा ऐसा डॉट दिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ पॉजिटिव, मतलब उसमें डॉट है, डॉट है मतलब वो जो चपटा डॉट है जिसको हम लोग आर एच बोलते हैं वो अगर है मतलब पॉजिटिव, वो नहीं है मतलब निगेटिव, ठीक है। बट ये रिसस नाम जो आया, आर एच फैक्टर जो नाम आया, वो रिसस नाम के मंकी के ऊपर जब रिसर्च हो रहा था, रिसर्च कैटेगरी के मंकी के ऊपर, तो रिसर्च आर एच ई एस यू एस होता है, तो उसके आगे का जो दो वर्ड है आर एच, इसकी वजह से आर एच का नाम दिया गया, ठीक है, आर एच फैक्टर।
ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ब्लड ग्रुप देखा, आर एस फैक्टर देखा, अभी आगे हम ब्लड ग्रुप में बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में कि जो हमारे कंपैरिजन करेंगे, अगर किसी के माँ का या किसी के पापा का ए है, माँ का बी है, या किसी के पिता का ए है माँ का बी है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डेवलप करेंगे, देखेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, एक और इसमें ही आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, और दूसरा वर्ड होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है, रिसीवर या रिसिपिएंट। तो यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं और यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसे कहते हैं। तो जो ओ निगेटिव ब्लड होता है, ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, मतलब क्या है, ओ निगेटिव, इसके ऊपर तो एंटीजन वैसे भी टकला था, कुछ था ही नहीं, और दूसरा क्या है, इसमें ए डॉट भी नहीं है चपटा, मतलब इसमें पॉजिटिव भी नहीं है, तो ओ निगेटिव मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल तीनों नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम पूरा टकला, ठीक है। तो जो ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो हम किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। ओ निगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है, ओ निगेटिव, ओ ब्लड ग्रुप हम किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ आरबीसी होता है, बाकी इसमें कुछ भी फंसने फंसाने वाला है, कहीं पे भी जाके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं करेगा, क्लॉट नहीं होगा। तो इसके लिए जो ओ निगेटिव होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। इसी तरह जो होता है यूनिवर्सल रिसीवर या रिसिपिएंट, उसको हम लोग ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ए बी पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसको ए बी पॉजिटिव क्यों, ए बी पॉजिटिव को ही यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों बोलते हैं, तो इसमें आप समझिए कि आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है, तो कैपिटल ए का कर्व भी है, बी का भी हाफ कर्व है, ठीक है, फिर से ऐसा ए बी, और दूसरा क्या है कि इसमें डॉट भी है यहाँ पे चपटा, मतलब ए बी पॉजिटिव है। तो इसमें ए बी में हम लोगों ने देखा था कि जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी में हमने डिफरेंट देखा था कि जिसका एंटीजन होता है ठीक उसके डिफरेंट में तो उल्टा एंटीबॉडी होता है। तो जो हमारा एंटीजन अगर ए बी है तो उसमें क्या होगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा, नो एंटीबॉडी, ठीक है, तो एंटीबॉडी का यहाँ पे सवाल ही नहीं है। और ए जो है तो इसमें क्या है, अगर एंटीबॉडी ए है तो वो भी आके यहाँ पे बी से कम मिल के चला जाएगा, फंसेगा नहीं, बी है वो ए में आके मिल के चला जाएगा, फंसेगा नहीं। तो जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है वो हम ए बी पॉजिटिव को कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड ग्रुप दे दीजिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।